आईसीसी ने 7 फरवरी को खिलाड़ियों की लेटेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। इस रैंकिंग में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बड़ा फायदा हुआ है। जसप्रीत बुमराह अब मेंस टेस्ट क्रिकेट बॉलिंग में नंबर 1 के पायदान पर पहुंच चुके हैं। बुमराह ने कगिसो रबाडा, रविचंद्रन अश्विन और पैट कमिंस को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 के पायदान पर अपनी जगह बनाई है। बुमराह नंबर 1 के पायदान पर पहुंचते ही एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम हासिल कर चुके हैं। दरअसल जसप्रीत बुमराह इससे पहले वनडे में भी नंबर 1 के पायदान पर रह चुके हैं और T20 में भी नंबर 1 के पायदान पर काबिज रह चुके हैं, लेकिन अभी तक वो टेस्ट में नंबर 1 के बॉलर नहीं बन पाए थे। लेकिन भारत दौरे पर आई इंग्लैंड टीम के खिलाफ पहले दोनों ही टेस्ट मैचों में बुमराह कहर बनकर टूटते हुए दिखाई पड़े। इसका फायदा उन्हें मिला और वो टेस्ट क्रिकेट में पहली बार नंबर 1 के गेंदबाज बन चुके हैं। बुमराह अपने करियर की हाईएस्ट रेटिंग पर हैं, उनके 881 पॉइंट्स हैं, इसकी वजह से वो नंबर 1 के पायदान पर अब पहुंचे हुए हैं। बुमराह T20 और वनडे में तो पहले से ही नंबर 1 के पायदान पर काबिज रह चुके हैं, लेकिन टेस्ट में अभी ये कीर्तिमान हासिल करना बाकी था। लेकिन अब वो कीर्तिमान भी उन्होंने हासिल कर लिया है और इसी के साथ इतिहास रच दिया है। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 के पायदान पर पहुंचते ही जसप्रीत बुमराह तीनों ही फॉर्मेट में नंबर 1 के पायदान पर पहुंचने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ऐसा अभी तक कोई भी भारतीय गेंदबाज नहीं कर पाया है जो टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 की जगह पर पहुंच पाया हो। वहीं रविचंद्रन अश्विन को इसमें थोड़ा सा नुकसान हुआ है और वो इस लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं, उन्हें 2 अंकों का नुकसान हुआ है। जसप्रीत बुमराह ने अभी तक भारत और इंग्लैंड के बीच 2 टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 15 विकेट हासिल कर लिए हैं। वहीं दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने एक ही मैच में 9 विकेट लिए थे जिसकी वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। ऐसी विशेष जानकारियों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।